हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी उन्हों का फालिज हो गया आपको सज्जे हाथ च दीन का काम बड़ा किया उन्होंने परेशान हो गए घर बैठ के संगी उन्होंने मिलया उन्हें कहा कि मैंने एक हकीम साहब मिलन उन्हें दवाई चलन शिफा रखी पर मैं सुनी है उन्होंने कहा हाँ मैं चलो लै चलो जी वो गए तो दवाई दी वो ठीक हो गए। अच्छा वो बंदा बड़ा तेज से जरा लैके गया कह लगे उस्ताद जी ये जी अल्लाह ने तुम्हें दोबारा सेहत दी है ना ये एवें नहीं दी ये कोई काम लेना है अल्लाह ने थोड़े को आपने फरमाया की काम उन्हें क्या उस्ताद जी तुम तफसीर नईमी लिखो कुरान की तफसीर उदू आपने जी तफसीर नईमी नहीं सी लिखी उन्हें कहा तफसीर नईमी लिखो तो ना है आपका अहमद यार फरमाया चल ठीक है तेरा हिस्सा पै गया फरमाया लिखांगा जरूर तफसीर नईमी मगर उदू लिखनी जो कलम सरकार खुद दे आपने फरमाया सरकार कलम देंगे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान भी मेरे दादा उस्ताद हैं हज़रत ए मौलवी ऐसे होते उत्थे बैठे रियाजुल जन्ना दे अंदर ते एक बंदा आवाज़ा लावे तुम में कोई अहमद यार बैठा हुआ है ते आपने फरमाया हाँ मैं ही अहमद यार हाँ उन्हें जड़ी गल की थी ओहो उन्हें क्या किबला कोई अहमद यार इतने बैठा है आपने फरमाया मैं अहमद यार हाँ उन्हें झुक के कलम पेश किया कहता यार ने अहमद यार यार ने अहमद यार को कलम भेजा है कोई पूछे मौलवी कैसे होते कहना ऐसे होते फिर आपने तफसीर नईमी दी सुन 14-15 जिल्दां उस कलम के नाल लिखी जड़ा बारगाह रिसालत च मिले